subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेरणा न्यूज में। इंडियन प्रीमियर लीग का 16वां मुकाबला आज रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए इस मैच में आरसीबी के कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतकर राजस्थान रॉयल्स को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। पिछले मुकाबले से दोनों ही टीमों ने अपनी प्लेइंग 11 में एक एक बदलाव किए। आरसीबी ने रजत पाटीदार की जगह केन रिचर्डसन को आखिरी एकादश में शामिल किया, वहीं संजू सैमसन ने जयदेव उनादकट की जगह श्रेयस गोपाल को प्लेइंग 11 में मौका दिया। टॉस हारकर राजस्थान रॉयल्स की तरफ से एक बार फिर से जॉस बटलर और मनन वोहरा ने पारी की शुरुआत की, वहीं बैंगलोर की तरफ से मोहम्मद सिराज ने गेंदबाजी की कमान संभाली। आज एक बार फिर से राजस्थान की शुरुआत अच्छी नहीं रही। राजस्थान रॉयल्स को तीसरे ही ओवर में अपना पहला बड़ा झटका लगा। टीम के स्टार सलामी बल्लेबाज जॉस बटलर 8 रन पर सिराज के शिकार बने। सिराज ने अपने दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर बोल्ड कर आरसीबी को पहली बड़ी सफलता दिलाई। इसके बाद अगले ही ओवर में मनन वोहरा एक बार फिर से फेल हुए। टीम ने उन्हें एक और मौका दिया और वह इसे भी नहीं भुना पाए। उन्हें जेमिनसन ने रिचर्डसन के हाथों कैच कराया। वोहरा 9 गेंदों में 7 रन बनाकर आउट हुए। यहां से राजस्थान रॉयल्स का शीश कम फिर से बिखर गया। इस बार डेविड मिलर भी बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। उन्हें सिराज ने अपने तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर सटीक यॉर्कर से LBW आउट करवाया। 6 ओवर के पावर प्ले के बाद राजस्थान का स्कोर 3 विकेट पर सिर्फ 32 रन था। पावर प्ले के बाद भी राजस्थान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही थी। टीम के कप्तान संजू सैमसन भी सस्ते में पवेलियन लौट गए। उन्हें वॉशिंगटन सुंदर ने अपने पहले ही ओवर की दूसरी गेंद पर मैक्सवेल के हाथों कैच कराया। संजू 18 गेंदों में 21 रन बनाकर आउट हुए। यहां से शिवम दुबे और रियान पराग की जोड़ी साथ मिलकर राजस्थान को शुरुआती झटकों से उबारने में लगी रही। 12 ओवर के बाद टीम का स्कोर उन्होंने 100 रन के पार पहुंचाया। दोनों ने 5वें विकेट के लिए 34 गेंदों में 60 रन की साझेदारी पूरी की। अब तक शिवम दुबे और रियान पराग पूरी तरह से टिक चुके थे और तेजी से रन बटोर रहे थे। इस समय आरसीबी को विकेट की सख्त जरूरत थी ताकि वो ये पार्टनरशिप तोड़ पाए, और हर्षल पटेल ने आखिरकार राजस्थान रॉयल्स की बड़ी साझेदारी को तोड़ने में सफलता हासिल करी। पटेल ने रियान पराग को चहल के हाथों कैच कराया। पराग 16 गेंदों में 25 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए पिछले सीजन के हीरो राहुल तेवतिया। 14 ओवर के बाद इनिंग का दूसरा टाइम आउट लिया गया और उस समय राजस्थान का स्कोर 5 विकेट पर 120 रन था। टाइम आउट के बाद राजस्थान की तरफ से शानदार बल्लेबाजी कर रहे शिवम दुबे अपने पहले IPL अर्धशतक से चूक गए। उन्हें केन रिचर्डसन ने मैक्सवेल के हाथों कैच करवाया। दुबे 32 गेंदों में 46 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद राहुल तेवतिया ने कुछ अच्छे शॉट्स खेले और तेजी से रन बटोरे, लेकिन सिराज ने शानदार गेंदबाजी करते हुए तीसरा विकेट अपने नाम किया। उन्होंने राहुल तेवतिया को शाहबाज के हाथों कैच करवाकर पवेलियन भेजा। तेवतिया 23 गेंदों में 40 रन बनाकर आउट हुए, जिसकी बदौलत खराब शुरुआत के बावजूद राजस्थान एक अच्छा कमबैक कर पाई और उन्होंने स्कोरबोर्ड पर 177 रन लगा दिए 9 विकेट के नुकसान पर। आरसीबी की तरफ से मोहम्मद सिराज और हर्षल पटेल ने सबसे अधिक 3-3 विकेट झटके। जवाब में 178 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी आरसीबी की तरफ से एक बार फिर से विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल ने पारी की शुरुआत की। विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल ने बैंगलोर को तेज और मजबूत शुरुआत दिलाई। पहले पावर प्ले में दोनों ही खिलाड़ी राजस्थान के गेंदबाजों पर पूरी तरह से हावी रहे और 6 ओवर की समाप्ति पर टीम का स्कोर बिना नुकसान 59 रन तक पहुंचा है। यहां से देवदत्त पडिक्कल ने सीजन का पहला अर्धशतक धमाकेदार अंदाज में पूरा किया। उन्होंने चौके के साथ 27 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। इसके बाद पडिक्कल ने पूरी तरह से आक्रामक रुख अपना लिया। विराट कोहली और पडिक्कल ने लक्ष्य का पीछा करते हुए रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को जोरदार शुरुआत दिलाई और 10 ओवर के बाद टीम के स्कोर को 100 के पार पहुंचाया। यहां से आरसीबी कप्तान विराट कोहली भी इस बड़ी पारी खेलने में कामयाब रहे। कोहली ने सीजन का अपना पहला अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने 34 गेंदों में अपनी 50 पूरी की। आज विराट कोहली ने IPL में एक नया कीर्तिमान रचा और वह IPL इतिहास में 6000 रन पूरे करने वाले पहले और इकलौते बल्लेबाज बन गए। इसके बाद 15 ओवर की समाप्ति पर इनिंग का दूसरा टाइम आउट लिया गया और इस समय आरसीबी का स्कोर बिना नुकसान 162 रन था। यहां से जीत के लिए बैंगलोर को सिर्फ 16 रन चाहिए थे। देवदत्त पडिक्कल तेजी से अपने पहले IPL शतक की तरफ बढ़ रहे थे और पडिक्कल ने आज तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 51 गेंदों में शतक ठोक डाला। मैजिकल पडिक्कल अपनी शतकी पारी में उन्होंने 6 छक्के और 11 चौके लगाए और आरसीबी ने यह मैच 10 विकेट से जीतकर इतिहास रच दिया। इस जीत के साथ एक बार फिर से वो पॉइंट टेबल के टॉप पर पहुंच गई। आप अपनी स्क्रीन पर इस मैच का हाल देख सकते हैं। थी आज एक बहुत ही शानदार पारी कोहली और पडिक्कल की तरफ से और आरसीबी ने लगाया जीत का चौका। सब्सक्राइब नाउ and press the bell icon. Never miss an update.